नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण, आप न्यूज 18 लोकल देख रहे हैं। देखिए, फेंगशुई में लाफिंग बुद्धा का काफी महत्व है और माना जाता है कि इसे घर में रखने से सुख समृद्धि आती है। आपको बताएं कि वास्तुशास्त्र की तरह ही लोगों के बीच फेंगशुई भी काफी लोकप्रिय है और इसमें बताए गए टिप्स की मदद से आप जीवन में आ रही कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। फेंगशुई एक चाइनीज वास्तुशास्त्र है और इसमें कुछ सामानों को घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। फेंगशुई के अनुसार कुछ चीज़ें घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है और इन्हें घर में जरूर रखना चाहिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लाफिंग बुद्धा, जो कि आमतौर पर घर के ड्रॉइंग रूम में एक शो पीस के तौर पर रखा जाता है। लेकिन फेंगशुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा मात्र एक शो पीस नहीं है, बल्कि ये आपके घर में खुशहाली लेकर आता है। चीनी वास्तु यानी फेंगशुई में लाफिंग बुद्धा को फेंगशुई का भगवान माना जाता है और कहते हैं कि इसे घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। फेंगशुई के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा रखने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, साथ ही घर में आ रही निगेटिविटी भी दूर हो जाती है। लेकिन फेंगशुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा खरीद कर घर में रखने से खुशहाली नहीं आती, बल्कि ये तब एकमात्र शो पीस रह जाता है। लाफिंग बुद्धा यदि आपको कोई गिफ्ट करे तो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आमतौर पर लोग एक दूसरे को इसे गिफ्ट करते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि लाफिंग बुद्धा को कहीं भी किसी भी जगह पर रखना सही नहीं है, बल्कि फेंगशुई के अनुसार इसे सही दिशा में रखने से ही लाभ मिलता है। लाफिंग बुद्धा घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ताकि दरवाजा खुलते ही सबसे पहले उसी पर नजर जाए। इसके अलावा पूर्व दिशा में लाफिंग बुद्धा रखना भी शुभ माना जाता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को यदि बच्चों के स्टडी रूम में रखा जाए तो उनकी पढ़ाई में भी मन लगा रहता है और उनमें एकाग्रता आती है। नवीन कुमार पांडे, और लाफिंग बुद्धा के बारे में बता रहे थे। लाफिंग बुद्धा खुशहाली के लिए रखा जाता है। इसको दरवाजे के आसपास इस तरह के इसका फेस बाहर की साइड होनी चाहिए, ताकि जो भी आदमी आते हैं उसको नज़र पड़ना चाहिए। हर आदमी निगेटिव सोच करके या पॉजिटिव सोच करके नहीं आते, तो ये निगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है सर। ठीक है, लाफिंग बुद्धा जी। और किस मतलब कोई ऐसा इसका दिशा भी होता है किसी दिशा में? इसको दरवाजे के आसपास इस तरह के इसका फेस बाहर की साइड होनी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति आ रहे हैं इस पर नज़र पड़ना चाहिए। जी, और गुड लक के लिए होता है।